यशोमति मैया के नंदलाला। बाबा आप ठीक हो? बाबा जी क्या होगा, गाल पे भी लगो क्या? किसने मारा मुझे? क्या इसने? जो भी हो प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा मैं। प्रतिशोध बाद में लेना महाराज, पहले खड़े तो हो जाओ ठीक से। बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे थे? बिटिया हम तो पीड़ा कम करने के लिए टहल रहे थे, फिर न जाने अचानक। अच्छा कोई बात ना है, आप खिचड़ी खा लो, चलो पेट में अन्न जाएगा तो शक्ति मिलेगा। हाँ अच्छा, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं मैया। अभी तो और भी बुरा होगा इनके साथ। खाओ बाबा। छप्पन पकवान खाने की लत है मुझे, ये फीकी सी खिचड़ी तो गले के नीचे ही नहीं उतर रही। क्या हुआ बाबा, आप भोजन छोड़ रहे हो? आप तो पंडित महाराज हो ना? छोड़ कर रहे हैं, खा तो रहे हम। कैसी लगो खिचड़ी? बहुत अच्छी बिटिया, अद्भुत, अतुलनीय, अति स्वादिष्ट, आनंद आ गया। आनंद तो अब आएगा। बाबा जे लो औषधि, ये भोजन के बाद ही तो खानी थी ना। क्या ये भी खानी होगी? जे जल के साथ खा लो, सुविधा होगी। भविष्य पुराण मत बाचो महाराज, वर्तमान में ही खानी पड़ेगी। अपनी कड़वाहट का स्वाद स्वयं चखा, आया ना आनंद। बाबा अब आप विश्राम करो, संध्या तक आपकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। पीड़ा तो मेरी तब समाप्त होगी जब मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पूरा होगा, जब तेरा पुत्र प्राण त्यागेगा तब आएगा मुझे असली आनंद। परंतु ये होगा कैसे? हर समय तो मैया इसे कलेजे से लगाए घूमती है, कब होगा, कैसे हो पाएगा? जब होगा रात्रि का अंधकार तब करना होगा अचूक प्रहार। तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी आठवीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा।
अपने पापों का प्रायश्चित कर और निर्दोष देवकी और वसुदेव को इसी क्षण मुक्त कर। उतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। अखंड पूजा के प्रसाद के प्रभाव से अखंड निद्रा का लाभ ले रहे हैं ये सब। अब भोर से पहले उन्हें कोई हिला हिला कर भी जगाएगा तो भी उठ नहीं पाएंगे। यदि सभी गहन निद्रा में हैं, तो पालना अपने आप झूल कैसे रहा है? ये प्रकाश कैसा आ रहा है पालने से? देखे बिना रहा भी ना जाता मुझसे। भाई राम। अब कौन आ गया? अरे मेला लगा है क्या? कभी कोई आता है तो कभी कोई। इसे प्रेम करने वालों की भीड़ देखकर तो लगता है कि रात्रि में भी अवसर नहीं मिलेगा। आज तो मैं आई हूं तुझे नहीं हारने, पर जब तू बड़ा हो जावेगो ना तब तू भी ऐसे ही आवेगो छुप छुप के मुझे मिलने। वैसे भी कस्तूरी से सुंदर कोई है भला गोकुल में? क्यों नहीं, मैं भी कितनी बावली हूं, तुझसे कह रही हूं ये, तुझसे ज्यादा मनमोहक कोई हो सकता है भला? देखने में तो बिल्कुल लट्टू जैसा है, मन कर रहा है कि खा जाओ तुझे। अरे ऐसा थोड़ी ना करोगी तेरे साथ, मैं तो तेरी प्यारी सुलक्षणा चाची हूँ ना। हाँ? अच्छा
तुझे मिलने में इतनी रात को आई, तू प्रसन्न तो है ना? मैं तो हूँ, पर कोई और है जो प्रसन्न नहीं है। ये सब की सब मिलकर मेरा मूल्यवान समय नष्ट कर रही हैं। अपनी सूक्ष्म बुद्धि का चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? वही जो आप करने आई हो, लल्ला के दर्शन हो गए ना? अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि वो नया प्रहरी आ जाए और जशोदा जी को सारी बात बता दे और बात का पतंगड़ बन जाए। चलो। अरे कोई प्रहरी नहीं, ये तो स्वयं चोर है। अच्छा हुआ जो लाठी की आवाज सुनकर चली गई, अन्यथा इसी लाठी से पूजन करता इनका मैं आज। कहीं ये लाठी ही आपका स्वागत ना कर ले ढोंगी महाराज। बड़ा प्रसिद्ध है गोपियों के बीच, तनिक मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है तुझमें। अरे ये तो जगा हुआ है, और इसमें ये आभा कैसी है? ये चंद्रमा का प्रभाव है क्या? किंतु चंद्रमा के प्रकाश से केवल बालक ही क्यों चमकेगा? इसके भीतर सच में प्रकाश फूट रहा है या मेरा भ्रम है? ये अभी पता चल जाएगा ढोंगी महाराज, क्या सत्य है और क्या भ्रम। कौन है? कौन है यहाँ? मूषक महाराज, आओ दर्शन कर लो मेरे। बस देखते ही मत रहो, असली मूषक को ढूंढने में मैया की सहायता करो। ये है चोर। ए, यहाँ कहाँ आ रहा है? अगर मेरे लल्ला को सताओ ना तो इतना कूटूंगी कि फिर कभी ना दिखेगा। जो झूठ बोले वो डंडा खाए। समझ आया महाराज? लल्ला, यहाँ आधी रात में तेरी मैया मूसक भगा रही है और तू यहाँ आनंद से खिलखिला रहा है? हाय राम, हाय राम। लल्ला तू जाग रहा है, कहीं वो मूसक तेरे पालना में तो ना घुसा है? हाँ मैया, वो तो मेरे पालने को छू भी नहीं पाया। सुधा क्या हो गए हो? मूसक है जी। मूसक कहाँ? जी इसके भीतर। यहाँ तो ना है, लगता है चले गए। देखो लल्ला, इतने डंडे मारो है तेरी मैया ने उस मूसक को कि कभी तेरे निकट भी ना फटकेगो। हाँ
है। हाँ नंदा, तू चिंता मत कर, तो चैन से सो जा, सो जा। चिंता तो अब वो करेगा मैया। ये क्या हो रहा है सूक्ष्म बुद्धि, जब से यहाँ आया हूँ कुछ ना कुछ अमंगल ही हो रहा है। पहले केवल गिर पड़ रहा था, अब डंडे भी पड़ने लगे। कुछ बुद्धि लगाओ सूक्ष्म बुद्धि, जो कुछ यहाँ हो रहा है सामान्य नहीं है। प्रभु किंतु यहाँ तो सब सामान्य ही लग रहा है। बालक के आसपास न कोई प्रकाश न कोई आभा हो न हो, उस औषधि के प्रभाव से मुझे मति भ्रम हुआ होगा। अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब जो कुछ करूंगा कल औषधि का प्रभाव समाप्त होने के बाद ही करूंगा। ऐसे तो देखने में बड़ी भोली भाली है, किंतु जब बालक पर समस्या आती है तो कोई भी माँ ज्वाला बन जाती है। महाराज जी, जी नंद जी, लगता है बैद जी की औषधि का प्रभाव ना पड़ा आप पर। हाँ। क्या हुआ, पीड़ा कम ना हुई आपकी? इसे ही कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। नंद, क्या हुआ भैया, सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक ही है। तनिक हमारे साथ आओ, कुछ आवश्यक बात करनी है तुमसे। आते समय आपके लिए और औषधि ले आऊंगा, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आवश्यकता तो है इन्हें औषधि की, रात को डंडे जो खाए हैं। मुझे भी लल्ला को स्नान कराना है। महाराज आपको कुछ आवश्यकता हो तो बता दो। नहीं नहीं बिटिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा भी ध्यान का समय होता है, हम ध्यान में जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। सूर्यदेव की किरणों का आनंद उठा, मैं तेरा उपटन बना के लाती हूँ, किंतु बूढ़े महाराज को तंग ना करना है, ध्यान रखना। ध्यान नहीं, कपट कर रहे हैं मैया, ध्यान तो अब मैं रखूंगा इनका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मेरी तरफ पास पास खिसक रहा है, मैया सावधान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोचो मत मैया, डंडा उठाओ डंडा। बाबा जी आप वहां बैठे थे, आप यहाँ कैसे आ गए? जय का चल रहा है बिटिया? क्या है, जानबूझकर ये सब थोड़ी करता हूँ, ये तो मेरी शक्ति का प्रभाव है। शक्ति का प्रभाव? हाँ हाँ, वो क्या है कि ये ध्यान का उच्च स्तर है। जब साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेता है तो वो ध्यान की ही अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण कर सकता है। और यही नहीं, एक बार तो ध्यान की अवस्था में अब हम इतना दूर निकल गए थे जैसे तुम्हारे गोकुल से मथुरा। हाँ हाँ हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना झूठ बोलोगे तो मैया सचमुच मथुरा ही पहुंचा देंगी। इन सभी को हमारे नीलमणि और पूतना की घटना के बारे में पता चलो। अभी ये सब हमारे लल्ला का दर्शन करना चाहते हैं। इनको लगता है कि हमारो लल्ला विशेष है। भैया कौन सच्चे मन से दर्शन करने आया, किसके मन में है छुपा, कैसे पता चलेगा, कैसे मिलने तो इन्हें लल्ला से? प्रणाम नंदराज। नंदराज जी आपके बालक पर नारायण की कृपा है, बस एक बार उसके दर्शन करा दीजिए। प्रहरियों ने मना किया था बार बार जाने के लिए भी कहो, पर ये पूरी रात्रि भर से यहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। बार बार कहे जा रहे हैं कि यदि नंजी हमें ये कह दें कि लल्ला के दर्शन ना हो सके तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी पुकार सुन लीजिए गोप नरेश, अब आप ही हमारा अंतिम आसरा है। में से बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके अबोध बालकों को पूतना खा गई। भैया मुझे तो कछु समझ ना आ रहा, आप ही बताएं मैं क्या करूं। अब मैं तो यही कहूंगा कि सावधान रहो, पर ये सभी लोग बहुत आस लेकर आए हैं यहां पर, इन्हें निराश न करो। चिंता मत कर नंद, जब तक एक एक व्यक्ति हमारे लल्ला के दर्शन करके वहां से निकल नहीं जाता मैं प्रहरियों के साथ में खड़ो रहूंगा, निगरानी करते रहूंगा। हमें लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करने दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करने दीजिए। शांत हो जाइए आप सब, शांत हो जाइए, लल्ला के दर्शन अवश्य मिलेंगे, पर आप सबको हमें एक वचन देना होगा कि सुरक्षित दूरी से ही आप लल्ला के दर्शन करोगे और शांतिपूर्वक वापस लौट जाओगे। आपकी बहुत बहुत कृपा नंदराज, आपने हम लोगों को बहुत बड़ा उपकार कियो है। नारायण अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। नंदराज की जय, नंदराज की जय, नंदलाला की जय, नंदलाला की जय। कैसी ध्वनि आ रही है लल्ला, मैं देख के आऊं? अभी आई तेरी मैया?
अच्छा तो यहाँ है तू। ये लोग लल्ला को देखने के लिए उत्सुक रात भर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। देख अब तो आसपास कोई भी नहीं, केवल तू और मैं, और अब तो वो दिव्य प्रकाश भी नहीं है। अरे कैसा प्रकाश, अवश्य औषधि के प्रभाव में मति भ्रम हुआ होगा मुझे। वैसे एक बात तो है, तू है बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भोला भाला, निर्दोष। धन्यवाद, आभार। कौन कौन बोला? इधर उधर मत देखो ढोंगी महाराज, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसके लिए कंस ने आपको यहाँ भेजा है। फिर से वही प्रकाश, अर्थात मति भ्रम नहीं था, तू ही है वो दिव्य बालक। देख तेरी वास्तविकता का पता चल ही गया मुझे। इतनी भक्ति करोगे तो दर्शन तो देने ही पड़ेंगे ना। भक्ति तेरी, वो भी मैं भक्ति करूँगा। आते ही दंडवत प्रणाम किया, प्रसाद चढ़ाया और आज तो भोर से ही मेरे मंत्रों का जाप कर रहे हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कहो क्या चाहिए मुझसे? तू बिट्टे भर का बालक, तू भला मुझे क्या देगा? बार बार गिरे पड़े, थप्पड़ और डंडा भी खाया, फिर भी बुद्धि नहीं आई महाराज। तू अबोध बुद्धि की बात करता है? सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं मुझे। तूने देखा नहीं कल कैसे मैंने सभी को गोकुल के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया, केवल मुझे प्रवेश मिला। ये है मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि। उसे बुद्धि नहीं कपट कहते हैं। तो कपट है सही, किंतु मेरा कपट काम तो आया। किसी और को तेरे दर्शन नहीं मिले, मुझे मिले। कपट से दर्शन मिल सकते हैं, आशीर्वाद नहीं। अरे तेरा आशीर्वाद चाहिए भी नहीं मुझे। पर उन्हें तो चाहिए। नंदराज की, नंदराज की, नंदराज की, नंदराज की। मूर्ख हैं वे लोग, यदि कंस के दरबार में जयकार करते तो आशीर्वाद में कुछ मिल भी जाता, यहाँ क्या मिलेगा उन्हें? स्वयं ही देख लेना। वो तो मैं देख ही लूंगा। चिंता ना करो उपनंद भैया, उनके साथ कछु ना होगा हमारे लल्ला को। आओ। महाराज, ईश्वर बचाए कुदृष्टि से आपके बालक को। आइए आइए, बाहर हमने भीड़ का स्वर सुना तो बालक की रक्षा के लिए तुरंत यहाँ आ गया। धन्यवाद लल्ला। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, चलो सब दर्शन कर दें। अरे, अरे भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ठहरिए, अरे रुकिए आप, ठहरिए, ऐसे नहीं, ठहरिए, सब एक एक करके जाएंगे, ऐसे एक साथ नहीं। अरे अरे आप लोग कहाँ जा रहे? अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे अरे सुनिए, अरे रुको,
अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? रुकिए, एक साथ नहीं, देखिए एक एक करके। अरे सुनिए सुनिए, अरे शांत हो जाइए आप सब लोग, धीरज धरिए। अरे धीरज धरिए, सबको दर्शन हो गए। लगता है अब मुझे ही संभालना होगा इन सबको। हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर, हरे कृष्णा तारनहार। जब से हमारे पोते को पूतना ने खाया, हमारी बहू पत्थर बन गई थी। आज पहली बार आपके लल्ला को देखकर जैसे जीवन लौट आया है इसमें। जसोदा रानी, आपका लल्ला आशा की किरण बन के आया है। सूरज सा चमकेगा ये। कोई दुष्ट कोई राक्षस इसे हानि नहीं पहुंचा पाएगा, और कभी किसी ने प्रयास भी किया तो उसका परिणाम वैसा ही होगा जैसा पूतना का हुआ था। सुना ढोंगी महाराज, जो मेरे लिए आशीर्वाद है वही आपके लिए है श्राप। मैं तुझसे भयभीत नहीं हूं, और अब तो तुझे मेरा सत्य भी पता चल चुका है विष्णु के अवतार। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अब तो तेरे प्राण लेकर ही रहूंगा मैं। आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है। प्रभु, क्या हुआ श्रीधर महाराज? आइए आइए नंद महाराज। पीड़ा गई ना भी आपकी? गई, उल्टा स्तन को आश्रम समझकर यहीं बस गई है। एक सप्ताह का समय होने को आ रहा है, अब तक तो आपको स्वस्थ हो जाना चाहिए। हाँ। मैं बैजी को संदेशा भिजवा कर बुलवा लेता हूँ, वो पुनः आकर आपको देख लेंगे, क्या पता औषधि बदलने से लाभ हो। सही कहा बाबा, और कड़वी औषधि चाहिए इन्हें। नंद, जी भैया। नंद, जो गुप्तचर हमने मथुरा भेजे थे वो किसी भी क्षण यहां पहुंचते होंगे। हमें शीघ्र ही उनसे मिलकर पूछताछ करनी होगी। चलो। इनके गुप्तचर मथुरा से वापस आ रहे हैं, यदि उन्हें मेरे बारे में पता चल गया होगा तो मुझे किसी भी तरह अपना कार्य आज ही पूर्ण करना होगा। नंद बाहर गया है, यशोदा रसोई में व्यस्त है, और आज तो जानकी भी नहीं आई है। इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा सूक्ष्म बुद्धि। तेरी दिव्यता
मेरी बुद्धि के पंजे में फंसकर ऐसे फड़फड़ाएगी जैसे वह फड़फड़ाना बाद में, पहले मेरी रक्षक से तो बच के दिखाओ बुद्धिराज। रुक जा दुष्ट। इतनी शीघ्र भेद खुल गया क्या मेरा? लगता है आज बेलन से पिटाई होगी। इतनी सी इच्छा? ठीक है, पूरी कर दूंगा। मधुमक्खी के लिए कब से घूम रहे हो? जाने कहां से आ गए? आप ही बताओ, ऐसे कैसे घूमने दूं? मेरे लल्ला को डंक मार दे तो? हाँ लल्ला, क्या सोचो उस मधुमक्खी ने? मेरे लल्ला के आसपास घूमेगी और मैया देखती रहेगी। हाँ नहीं तो? झूठ बोला तो मधुमक्खी से भी बुरी दशा हो जाएगी ढोंगी महाराज। बाबा वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे लल्ला के पास? वो हम है बेटी। अरे हाँ, आप भोजन खाने आए होंगे। आज तनिक विलंब होगा बाबा। वो जानकी ना आई, जे सब गोपियाँ जमुना जी के तट पर जा रही हैं। हाँ, जमघट करेंगी सब, बेरियाँ तोड़ के खाएंगी इसीलिए। फिर तो बेटी यशोदा तुम्हें भी जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो घर से बाहर निकलती ही नहीं हो। सही कहा ढोंगी महाराज, अब मुझे ही कोई लीला रचनी पड़ेगी। नीलमणि, नीलमणि, ओ नीलमणि। तुम सब तो घाट पर जाने वाली थी, गई ना? लल्ला को देखे बिना कैसे चले जाते? और आप भी तो आ रही है हमारे साथ। लल्ला कौन आयो है? हाँ, तू बुला रहो था ना, इसलिए हम सबके सब चले आए तुझसे मिलने। मैं कहीं ना जा रही। जा कैसे नहीं रही आप? आप भी चलेगी हमारे साथ जैसे पहले चलती थी। अरे पूछना रही हूँ जशोदा जी, बता रही हूँ। अरे हम भी तो यही कह रहे थे, मतलब जाना चाहिए तुम्हें। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं नीलमणि को छोड़ के कहीं ना जा सकती। जे अभी तक यही धरना दिए हुए है। अरे अरे कुछ भी मत ही बोलो, और जो बोलो तनिक धीरे बोलो, लल्ला उठ जाएगो। ना भाभी ना उठेगो, जो प्रतिदिन ऐसे ही और इसी समय खैरी और लंबी निद्रा लेतो है। लेनी पड़ती है ताकि मैया को भी थोड़ा समय मिल जाए। लो फिर क्या समस्या है, जब तक ये सो रो है आप चली चलो हमारे साथ। सो रो है तो क्या हुआ, मैं लल्ला को अकेला छोड़ के ना जा सकती। अकेला कहाँ है यशोदा, हम है ना इसकी सुरक्षा के लिए। जाओ जाओ जाओ। और नहीं तो क्या, बस बैठकर निवाला तोड़ेगे तो इन्हें भी अच्छा ना लगेगा। कुछ तो करे, है ना महाराज? बालक के साथ साथ इसे भी मार कर ही जाऊंगा। ना मैं मान भी जाऊं, किंतु मेरे भीतर जो मैया का मन है ना, वो ना माने को। मुझे क्षमा करो, तुम सब जाओ।
बेटी यशोदा, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से तुमने मेरी सेवा ऐसी की है जैसे मेरी अपनी बेटी करती है, तो मुझे भी सेवा का अवसर दो। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे उपकार का बोझ लेकर चला जाऊं यहाँ से, और जब मेरा अंत समय आए तो तुम्हारा ऋण चुकाए बिना ही प्राण त्याग दूं। मानो तो भला न मानो तो भला, किंतु सत्य यही है, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। माँ की ऊर्जा से ही संतान अपनी शक्ति प्राप्त करती है, इसीलिए तुम्हें स्वस्थ और सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। यदि तुम प्रसन्नचित्त रहोगी तभी तो तुम्हारी संतान भी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सकेगी। जाओ पुत्री, जाओ। सुन लिया यशोदा जी, अब नीलमणि के लिए आपको चलना ही होगा। हाँ। जे है इसका ध्यान रखने के लिए। अरे किंतु बाबा को भोजन भी तो परोसना है। वो हम स्वयं परोस लेंगे। तुम जाओ बिटिया। हाँ हाँ, हाँ। चलिए यशोदा जी, चलो चलिए। आप यशोदा जी चलिए। मेरी चिंता छोड़ो मैया और जीवन का आनंद लो, तब तक मैं इनको संभालता हूँ। नदी का स्नान, अमिया, संसार भूल के मौज में मगन हो जाना, ऐसा लगता है जैसे ये सब तो मैं भूल ही गई थी। आज कितने दिनों बाद वही आनंद फिर से अनुभव करूंगी मैं। प्रणाम नंद भैया। प्रणाम उत्तम भैया। सब ठीक है? हाँ। आपकी विकलांग बनाने की योजना बहुत अच्छी थी, सारी जानकारी प्राप्त कर ली और किसी को संदेह भी ना हुआ। बहुत अच्छे। क्या समाचार लाए हो? इस बार कंस ने गोकुल में किसी विकट को भेजा है, और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो हमसे पहले यहां आ चुका है। अब वहीं खड़े रहोगे क्या ढोंगी महाराज? नहीं, अब मैं तेरे निकट आऊंगा और उस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करूंगा जिसके लिए मित्र कंस ने मुझे यहां भेजा है। निसंदेह अत्यधिक समय लग गया, किंतु अंततः वो क्षण आ ही गया जब मैं तेरा अंत करूंगा। और वो व्यक्ति बहुत दिनों से गोकुल में रह रहे है, जे कौन है, कहां रहते है, इसका पता ना कर पाया हूँ। कोई तो सूत्र होगो जिससे उसकी पहचान पतो चल सके? बस इतना पतो है नंदराज कि उसने कंस के साथ भोजन किया था। उस दिन विशेष व्यंजन बनाने का आदेश मिलो था हमें,
तुमने देखो था उसे, कैसे वस्त्र पहने थे, कैसे शस्त्र है उसके पास। कोई ना कोई शस्त्र तो अवश्य होगा इस घर में। भयभीत मत हो ढोंगी महाराज, अनेक है, कोई भी चुन लो। सूक्ष्म बुद्धि को किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं, तेरे लिए तो मेरे हाथ ही पर्याप्त हैं। आज सब कितने समय बाद इकट्ठा हुए हैं ना, आ जावेगो आनंद। अरे देख तेरा नाम लेते ही कौन आ गया, संगीनी मौसी और सुमिति, लगता है सास बहू में समझौता हो गया आज। पर अब की बार झगड़ा क्यों हुआ था, पता नहीं, चल। संकरी चाची चाहती है कि इनका लल्ला इनके पल्लू से बंधा रहे, और बहू कहती है कि इसका पल्लू कम शक्तिशाली थोड़ी ना है, तो इसके पल्लू से क्यों ना बंधा रहे इसका पति। हाँ जसोदा जी, जी देखो ना, जो मुंह में आया बोली जा रही है सुलक्षणा। ए शांत रहो सब। उन्हें देखकर लल्ला की स्मृति आ गई ना। वो घर में आनंद से होगो। तेरी आंखें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं किसी शांत सागर में डूब रहा हूं, गहरे और गहरे। तेरी मुस्कुराहट तो ऐसी है जैसे प्रसन्नता की कोई लहर मेरी ओर बड़ी चली आ रही है, और ये आभा ये तो इतनी मनमोहक है कि मन कर रहा है स्वयं को निछावर कर दूं मैं तुझ पर। लो कर लो बात, मेरे प्राण लेने आए थे, अब स्वयं ही निछावर हो रहे हो। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे, कैसे भूल गया मैं कि तू तो एक छलिया है। जैसे तूने सारे गोकुल वासियों को मोह रखा है, मुझे भी सम्मोहित करने चला था, किंतु मैं तुझसे सम्मोहित नहीं होऊंगा। जिस उद्देश्य के लिए मैं यहां आया हूं उसे पूर्ण करके ही रहूंगा। अच्छा जे बताओ भाभी, पहले हमें क्या करना चाहिए, बोलो ना। पहले हमें स्नान करना चाहिए या पहले हमें अमिया तोड़नी चाहिए? जेरा जेरा, ये तेरे बाव के पास पड़ा एक पत्थर। जेरा, ये पत्थर तो बहुत बड़ा है। जानकी, इसी से जानकी ले। Yeah.
भाभी कहाँ खो गई? भाभी क्या होगा? आप भी ध्यान दो ना, पेट में चूहे कूदे हैं। मुझे अचानक विचित्र सा लग रहा है, सब ठीक तो होगा ना? ये क्या कर रहे हैं आप? ये नीलमणि के पालने के पास क्यों आना पड़ा आपको? हमें पालने के पास क्यों आना? हाँ, वो नीलमणि की माला पालने में गिर गई थी, तो हमने सोचा वही पहना दे। ये देखिए ये माला लाइए, मैं पहना देती हूँ। हाँ पहनाइए। वैसे आपको क्या लगा कि हम बालक को कोई क्षति पहुंचाना चाहते हैं? अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो उसके नाना जैसे हैं। तभी तो यशोदा हमें इसके पास छोड़कर गई है, बहुत विश्वास करती है वो हम पर। नीलमणि के बारे में यशोदा किसी पे विश्वास नहीं करती। अच्छा पहनाइए पहनाइए। रुको प्रभावती चाची, आप तो कह रही थी कि यशोदा भाभी का एक भी निशाना ना चूकता, पर आज तो एक भी ना लग रहा है। लग तो है आज तो बिना आम खाए घर जाना पड़ेगा। पहली बार लल्ला से इतनी दूर आई हूँ ना, मन लौट लौट के उसी के पास जा रहा है। मुझे ना नीलमणि की चिंता हो रहा है, शायद इसीलिए निशाना ना लग रहा हूँ। अरे महाराज को छोड़ के आई हो ना तुम लल्ला के पास, और आते आते रोहिणी रानी को भी तो बोला है ना, कहा था कि नहीं? और नहीं तो क्या, इसलिए आप वहाँ की चिंता छोड़ो यशोदा जी, यहाँ ध्यान दो। जे बित्ते भर की छोरिया नाम में बट्टा लगा रही है। हाँ जी जी, लगाओ आम पे निशाना और दिखा दो कि नीलमणि की मैया हो। ये पत्थर चाहे भी ना तो अभी आपका निशाना चूक ना सके। हाँ जी जी, वरना लल्ला के कहेगा कि मैया ऐसे ही वापस आ गई, एक काम भी ना ले पाई। तो जे बात है तो दो फिर पत्थर, दिखाती हूँ मैं भी कि नीलमणि की मैया क्या कर सकती है। भोग लगाओ फिर जितना मन करे खाओ, और पेट भरे तो लेट जाओ। कौन हंस रहा है? हाँ? बड़ा खिलखिला रहा है, प्राण बचेंगे नहीं तेरे। आपने मेरी मैया को प्रसन्न किया है, इसका फल आपको अवश्य दूंगा मैं। मुझे फल देने चला है तू? अरे दूंगा तो मैं तुझे, वो भी मृत्यु। इसका अर्थ है लल्ला के प्राण संकट में, और हमें उस षड्यंत्रकारी के बारे में कछु पतो न है। भैया हमें लेख पत्र जांचने होंगे, यदि कोई बाहरी व्यक्ति गोकुल में आए होगो तो उसके बारे में हमें सब लेखा जोखा पता चल जाएगा। तुम सही कह रहे हो नंद, मैं भी प्रबंध करवाता हूँ। पता नहीं उन गुप्तचरों ने क्या बताया होगा, यदि नंद को मेरे बारे में कुछ भी पता चल गया तो। नहीं नहीं, समय रहते ही कार्य समाप्त करना होगा। धीरे कीजिए महाराज, नीलमणि भयभीत हो जाएगा। क्षमा करना बेटी, वृद्धावस्था में यदि पेट रिक्त रहे तो वायु विकार हो ही जाता है। यशोदा कह रही थी कि भोजन तैयार है, यदि तुम परोस दो
तो ये वृद्ध भोजन कर लेगा और वायु विकार से मुक्ति मिल जाएगी। ताई जी आप जाइए, इन ढोंगी महाराज को भरपूर शांति दूंगा आज। अभी लाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, सुखी रहो खुश रहो। कौन बचाएगा तुझे? गोकुल में किसने प्रवेश किया, कब प्रवेश किया और कब यहाँ से निकलो, इसमें सारा लेखा जोखा है। इससे हमें सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। द्वार बंद किसने किया? खुल क्यों नहीं रहा है? पाइप फंस गया है। कोई है? श्रीधर महाराज सहायता कीजिए, लगता है द्वार फंस गया है। अब सूक्ष्म बुद्धि की बुद्धि से कौन बचाएगा तुझे? पीछे देखो पीछे। ये बेलन अपने आप हवा में कैसे उड़ गया? श्रीधर महाराज हो क्या रहा है? ये कैसा इंद्रजाल है? मैया का बेलन है, लल्ला के शत्रु का पीछा इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ेगा। द्वार खोलिए। ताई जी महाराज तनिक व्यस्त है अभी पिटने में। ये ध्वनिया कैसी है? श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज द्वार खोलिए। सच्ची कहूं जीजी, तो मुझे तो लगो ही ना था कि आपके हाथों में अभी भी उतनी कुशलता बची होगी जितनी की पहले थी। इतने बरस हो गए पर जसोदा तो तुम तनिक भी ना बदली। कुछ समय के लिए सबसे दूर अवस्थी हुई थी किंतु भीतर से तो आज भी वही जसोदा हूँ। मुँह में मिठास बहुत है और इस मीठ में खटास बहुत है। यही तो जीवन है, खटास और मिठास का संगम है कि ना। ला दे इमली दे। आ,
यदि मेरे लल्ला को भूख लगी आई ना तो बहुत रोएगो। मुझे घर जाना पड़ेगा। अरे सब साथ ही जाएंगे ना, तनिक आम तो खा लो। लेख पत्र के विवरण से तो यही पतो चल रहा है कि जो भी व्यक्ति कुछ समय पहले गोकुल में आयो था वो वापस लौट गयो है। परंतु एक को छोड़कर। कौन? श्रीधर महाराज। आया तू पकड़ में, अब मजा चखाता हूं। बालक, बहुत हो गया तेरा खेल बालक, अब तुझे और समय व्यर्थ नहीं करने दूंगा। आप कुछ अनुचित तो नहीं कर रहे हैं श्रीधर महाराज? उचित अनुचित में समय व्यर्थ करो तुम, मैं वही कर रहा हूँ जो करने आया हूँ, विष्णु अवतार का अंत। हाँ, हमें स्मरण हुआ, वो अन्य दासियां बता रही थी कि ना तो वो ढंग से चल सकते है और ना ही ढंग से खड़ा हो सकते है। लल्ला! अरे चिची कुछ देर तो रुको, आम तो खा लो। अरे तुम सब समझना रही, मुझे कछु ठीक ना लग रहा है, मेरी छठी इंद्री भी संकेत दे रही है, मैं घर जा रही हूँ अपने लल्ला। अरे भाभी रुको, अरे भाभी, यशोदा भाभी। तो अब मैं आपको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दूंगा। अरे अरे, देख नहीं पाओगे तो मारोगे कैसे? आंखें खोलने की चेष्टा तो करो। ये ज्ञान का प्रकाश है श्रीधर, इससे आप सदैव बचते ही रहे हैं। आपके पास बुद्धि तो है किंतु ज्ञान नहीं। आप महान ऋषि शुक्राचार्य के मानसिक शिष्य हैं, आप स्वयं को
ज्ञान से और दूर मत रखिए। अब अपने भीतर के अंधकार को इसमें समा जाने दीजिए। कब तक अधर्म की छाया में रहेंगे हम? एक पग आगे बढ़िए और स्वयं अनुभव कीजिए क्या अनुचित था और क्या उचित है। आपने अधर्म के अंधकार में अनेकों दुष्कर्म किए हैं, अब धर्म के प्रकाश के सामने समर्पण कीजिए। प्रभु, मैं मूर्ख जब से यहां आया हूं आपके प्राण लेने का प्रयास कर रहा हूं, पर आप मुझे ज्ञान के प्रकाश का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार। अब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं श्रीधर। मेरी इच्छा है कि आप इस ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करें। स्वस्मय स्वल्पम समाजाय सर्वस्व, अर्थात अपने लिए केवल आवश्यकता के अनुसार, शेष सब समाज के लिए। चाची, आपको किसने मन करो? जब मेरे और उस महाराज के अतिरिक्त यहाँ कोई है ही नहीं, तो तुम बताओ किसने किया होगा मुझे बंद? तुम ठीक तो है ना लल्ला? हाँ? आज तक अपने लल्ला को अपने से दूर ना करो मैंने। आज पहली बार आप पर विश्वास करके गोपियों के साथ गई थी। आदर से पूछ रही हूं महाराज, सत्य बताओ क्या कर रहे थे आप? आपने सुनी भैया यशोदा ने क्या कही? कि वो आज पहली बार लल्ला को छोड़कर इस भवन से बाहर गई और जे है गयो। यदि उसे पता चलेगा कि ये पाखंडी बाबा यहां क्यों आयो है और उसके लल्ला के प्राण संकट में हैं, तो फिर कभी वो इस भवन के बाहर पग न धरेगी। मैं समझता हूं नंद, पर इसने यदि स्वयं ही सब मान लियो तो? दोनों की चिंता उचित है। कितनी कठिनाई से मैया पूतना की घटना भूल पाई थी। इतना तो मैं समझ गई हूँ, जो आप दिखते हो वो आप हो ना। सत्य बताओ कौन हो आप और आपका उद्देश्य क्या था? ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। चोरी करने आए थे यहाँ, नील मणि की माला चुरा रहे थे। मैंने पकड़ लिया तो बहाना बनाने लगे। अवश्य ही और अधिक मूल्यवान वस्तुएं और आभूषणों को चुराने के लोभ में इन्होंने मुझे भीतर बंद कर दिया और बाहर पूरा भवन उथल पुथल कर दिया। ये सत्य कह रही है?
सत्य यह है। रुक जाइए श्रीधर, मैया को मेरा सत्य मत बताइएगा। एक कैसी लीला है प्रभु, आपका आदेश है कि मैं सत्य नहीं बोल सकता, पर आपका दिया सद्ज्ञान पाकर अब मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकता। मौन धारण करना हो या स्वर उठाना हो, कार्य परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। वैसे आप यहाँ चुराने ही तो आए थे मेरे प्राण। मौन क्यों हो गए बताओ, जिस सत्य है आप चोरी करने आए थे।